जो डिस्कस किए थे सुबह में उसका ड्राइंग बना दिया। तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1.1 वोल्ट से कम है तब तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट क्या है, इधर से इधर जा रहा है, कन्वेंशनल करंट यही ना है, कन्वेंशनल करंट किधर है, इधर से इधर जा रहा है, कहीं नहीं बचा है, कन्वेंशनल करंट ये होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। दो करंट को हम दिखा सकते हैं, एक करंट हुआ जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और कन्वेंशनल करंट किधर से ये रिवर्स स्टेट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा कर सकते, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है यहाँ पर लगा हुआ है, इससे हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में हम ऐसा एडजस्ट कर लिए कि एक्सटर्नल जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो करंट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही जाएगा और कन्वेंशनल करंट इधर से इधर, ठीक है, समझ में आ गए। अब दूसरा केस कर देते हैं कि एक्सटर्नल ईएमएफ को हम जो है 1.1 वोल्ट के बराबर, अभी क्या हो गया यहाँ पर करंट जो है इसमें किधर जा रहा है, एनोड से एनोड टू कैथोड जा रहा है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है एनोड टू कैथोड, तो यहाँ पर करंट कुछ है ना पॉजिटिव, यहाँ पर करंट क्या हो गया लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करंट क्या हो गया, करंट कन्वेंशनल करंट का बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट हो गया, आइए तो हम उसी को देखते हैं, राइट टू लेफ्ट हो गया, लेकिन अगर इसमें बात करेंगे तो करंट क्या हो गया जीरो, हम इधर लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होगा ना इधर, मीटर से पता चलता है करंट का डायरेक्शन, वॉट मीटर से तो पता चलता नहीं है, मीटर से पता चलता है, मीटर दो चीज बताता है, करंट का डायरेक्शन भी बता देता है और कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है वो भी बता देता है, दोनों चीज बताता है, बीच में जीरो रहता है, करंट जब फ्लो नहीं करता है तो जीरो पर रहता है, अगर इधर करंट पास हो रहा है तो ये इधर पर खींच कर जाएगा जितना एम्पियर करंट हुआ, और अगर करंट इधर जा रहा है तो ये इधर चला जाएगा जितना एम्पियर करंट, और कोई करंट फ्लो नहीं रहेगा तो 90 डिग्री पर रहता है, समझ गया ना, क्लियर। और तीसरा केस जब हम लाएंगे जब एक्सटर्नल ईएमएफ जो है उसको हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो करंट तो पास होगा, इस बार करंट जो होगा लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, समझ गया, अगली बार जो है लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है रिएक्शन कि जिंक है और कॉपर आया है, तो ये रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि ये जिंक आयन में बदल रहा है जिंक और कॉपर आयन जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये हो गया जब बैटरी यूज में वाइल यूजिंग, ये केस हो गया वाइल यूजिंग, समझ गया, जब हम बैटरी को यूज करते हैं ये रिएक्शन हो रहा है, इस केस अब लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ये एक तरह से चार्जिंग हो गया और रिएक्शन बदल जाएगा, इस बार Zn प्लस
कॉपर, अब जेड एल हो जाएगा और ये उल्टा हो गया, तो जिंक डिपॉजिट हो गया इस केस में, वापस जो है जिंक यहाँ पर जनरेट हो गया, तो ये एक तरह से हमारा हो गया चार्जिंग। हाँ बोलते हैं ना बैटरी को चार्ज करो, ये हो गया चार्जिंग, ठीक है हाँ समझ। लेकिन चार्ज करना ये सब केस में उतना आसान नहीं होता है, इसलिए पॉपुलर बैटरी नहीं है चार्ज करना। चार्जिंग वाला बैटरी आगे डिस्कस करेंगे, लीड बैटरी जो घर में हम लोग लगाते हैं उसी बैटरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्ज हम इसको भी कर सकते हैं लेकिन आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही खर्च लग जाएगा, तो इसलिए इसको यूज हम लोग नहीं करते। हम लोग जो है जो आसानी से चार्ज हो जाता है उसी को हम बात करेंगे, उसके लिए हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी रखते हैं उसी से काम, ठीक है। ये समझ में आ गया क्लियर। सेल रिएक्शन कहा जाएगा लिखने के लिए, अगर इसका सेल रिएक्शन कहा जाएगा तो सेल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेल रिएक्शन में पहला होगा ऑक्सीडेशन हाफ से, ऑक्सीडेशन हाफ से, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेडन जेडन समझ गए। और उसके बाद हम लोग लेंगे रिडक्शन हाफ से, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, कॉपर आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कॉपर जो है कॉपर आयन कॉपर में बदल जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, ठीक है सही बात समझे। और ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन जब देंगे ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होगा, इधर जेड एन प्लस U2 प्लस Zn2 प्लस प्लस C, ठीक है आई बात समझ में। अब इससे ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस दोनों को ऐड करेंगे है ना, तो इसको दूसरे तरीके से जो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सेल को ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ सेल रिएक्शन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हम जो है सेल रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखें, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखेंगे आप, तो पहले क्या है, एनोड है, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या है, जिंक है और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, लिख दिए। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है और इधर क्या हो रहा है, कॉपर जो है आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हुआ हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन,
ये हुआ ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज है दोनों के बीच में, ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो यहाँ आ गया, इधर एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड है ना, एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड ऐसे ही लिखना है ना, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि तुमको सेल रिएक्शन दिया रहेगा, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना होगा, ध्यान देने की बात है। अब देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन है जिंक जेड एन टू प्लस है ना, इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे एनोड पे होगा, बीच में ले दिया सॉल्ट ब्रिज और रिडक्शन लिखेंगे उस साइड मतलब कैथोड है, सी यू टू प्लस रिड्यूस हो रहा है, सी यू टू प्लस सी यू लिख दिया। अब इससे ये बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ जिंक है जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट होता है, जिंक लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जेड एन टू प्लस राइट साइड में, ठीक है। और फिर इसको लेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इसको राइट साइड, आसान बनाना, ये चीज आता है, सेल रिप्रेजेंटेशन करने कहेगा और सेल रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई बात समझना, क्लियर। अब देखो कि ये तो सेल बन गया, इस सेल में हमको पता है कि 1.1 वोल्ट मिलता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता नहीं चल रहा है ना। अब हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, इसका भी पता करना है, तो क्या करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सब जीरो होता है, ठीक है। ये ऐसा एक हाइड्रोजन का ही होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में बोलते हैं उसको SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका कंडीशन यही है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोल होना है, मोलारिटी 1, कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मोल पर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, ठीक है, आई बात समझ में। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है ना। तो ये जो SHE बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, पहले ये देखना होगा SHE कैसे बनाते हैं। तो SHE कैसे बनाएंगे, SHE बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक जो है ग्लास का कंटेनर लेंगे, ठीक है, ग्लास का कंटेनर लेंगे, उसके बीच में ये प्लेटिनम का जो है प्लेट लगा देंगे, पतला ऐसा प्लेटिनम, ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, इससे हाइड्रोजन गैस एट
से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। आई बात समझ में, प्लेटिनम है, यहाँ से वो आयन जोड़ लेंगे अपना, ये प्लेटिनम है, ये क्या है, प्लेटिनम है, ये ग्लास के अंदर पैक है। आई बात समझ में, और ये जो है ब्लेड नीचे निकला, ये ब्लेड जो है ये नीचे निकला हुआ है। आई बात समझ में, और एक कंटेनर लेंगे, एक जो है कंटेनर, और इस कंटेनर में हम लोग HCl दे देंगे, ठीक है। HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर HCl दे देंगे। यही बात समझे, ये जो है ना इसके ऊपर जो है एक प्लेटिनम का रॉड लेंगे, प्लेटिनम का हम प्लेट लेंगे, और उस पर जो है प्लेटिनम का पाउडर चिपका देंगे, रॉक सरफेस हो जाएगा, प्लेटिनम का जो है पाउडर चिपका देंगे। आई बात समझ में, ये जो खास करके ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसी यहाँ से गैस जो आएगा इसके अंदर, यहाँ गैस निकलेगा, जो गैस आएगा ये पूरा पूरा बंद नहीं है, ये जो इधर से हम गैस देंगे इधर से गैस हल्का हल्का निकलते रहेगा, समझ गए, इस H2 में आते रहेगा हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये HCl में आते रहेगा, कहाँ से निकलेगा, ये आएगा इसके अंदर गैस भरेगा, ये गैस सिलेंडर है, शीशा का ही है, सारा चीज ग्लास का है, हार्ड ग्लास का रहेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहेगा जिसका प्रेशर 1 atm रहेगा, और ये पोर्शन थोड़ा चौड़ा रहता है, ये पोर्शन जो है ये चौड़ा रहता है, समझिए, हल्का सा नीचे से ये चौड़ा रहेगा, है ना, ऊपर जितना चौड़ा रहेगा प्लेटिनम का प्लेट उससे ज़्यादा चौड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। आई वसन में इस प्लेट के सहारे हाइड्रोजन गैस नीचे, और जानते ही हो हाइड्रोजन गैस जो होता है प्लेटिनम के ऊपर चिपक जाता है, और इस सरफेस को नीचे में जो है हम बना दिए हैं रफ सरफेस, प्लेटिनम का पाउडर उस पर चिपका दिया, कोटिंग किया हुआ है किसका, प्लेटिनम के पाउडर से, तो सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया, सरफेस रफ हो गया, इसे यहाँ पर पूरी तरह से पैक नहीं होगा, हल्का हल्का गैस इससे निकलते रहेगा, इस पर चिपकते रहेगा, और ये है HCl के कॉन्सेंट्रेशन में, HCl का मतलब क्या हुआ, H+ और Cl- है इसमें, HCl और Cl- में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन के कॉन्टेक्ट में आ गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन के कॉन्टैक्ट में आ गया, यही बात समझे, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन के कॉन्टैक्ट में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जीरो होता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ही हम जीरो मानते हैं। आई समझ में क्लियर है, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है, जब तक हमको इससे काम करना है हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते रहना है, कितने प्रेशर पर, 1 atmospheric प्रेशर, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम 1 molarity वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा देते हैं, नीचे ये प्लेटिनम निकला हुआ है, ये जो हाइड्रोजन गैस आता है चिपकते चिपकते इस सारे पर चिपक जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है एडहेर कर गया है और वो HCl के कॉन्टैक्ट में आ गया, मतलब H+ आयन के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो हाइड्रोजन गैस भी टूटेगा, भी हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता जाएगा और हाइड्रोजन गैस खर्च होता जाएगा और इधर से निकलता जाएगा, जो एक्सेस हाइड्रोजन गैस है उधर से निकलता जाएगा, जब हम गैस सप्लाई कर रहे हैं तो सारा तो यूज नहीं हो पाएगा, गैस को अस्थिर करता नहीं है, तो जो एक्सेस होगा इधर से निकलता जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, फिर वो हाइड्रोजन आयन बाद में हाइड्रोजन गैस बनके इधर से निकलता जाएगा, और कंटिन्यूसली 1 atmospheric प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस बनते जाता है, तो चूंकि गैस है ये हार्ड नहीं हो सकता है, इसीलिए हाँ, और हमको इसको इलेक्ट्रोड बनाना है, गैस को इलेक्ट्रोड बनाना इतना आसान नहीं है ना, इसीलिए हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड का बात की, प्लेटिनम लिए क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए हम लिए, क्योंकि गैस को तो हम रॉड बना नहीं सकते हैं, अरे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए रॉड बनाना ना होगा, तो हाइड्रोजन का रॉड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो उसको रॉड का एक सहारा देना पड़ेगा ना, तो ऐसा रॉड बनाना है जो रिएक्शन नहीं करता है हाइड्रोजन से या किसी इलेक्ट्रोलाइट से,
उसमें तो सबसे सुटेबल प्लेटिनम और गोल्ड है, तो गोल्ड तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आटा के जैसा होता है, उसका भी रॉड नहीं बना पाएंगे हम, प्लेटिनम हार्ड होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम प्लेटिनम को। आई बात सुनने, हाँ, तो प्लेटिनम यहाँ खाली उसको सहारा दे रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड जिंक है उसी तरह से ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन को एक सहारे की जरूरत है खड़ा रहने के लिए, जिसका पैर हाथ टांग सब खराब हो गया तो उसको क्या करेंगे, लाठी देंगे कि नहीं, बिना लाठी के चलेगा या वाकर देंगे कि नहीं उसको चलने के लिए, हाँ, तो वही वाकर है ये, लेकिन हम यहाँ वाकर हो गया हाइड्रोजन के लिए ना, अपने से चल नहीं पाएगा, वाकर देना पड़ेगा ना, वही वाकर के लिए, बाकी और कोई रोल नहीं है यहाँ पर प्लेटिनम का, आई बात समझ में। और ये जो SHE है ये बड़ा ही अच्छा चीज है, ठीक है, इसको हम ऑक्सीडाइज भी करा सकते हैं, रिड्यूस भी करा सकते हैं, इसको कैथोड भी बना सकते हैं, एनोड भी बना सकते हैं, आया बस समझ में, हाँ, क्लियर। और हम हमेशा क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाइड्रोजन से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव, अब हमको अब इसका इस्तेमाल आएगा, अब हमको निकालना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इसका निकालेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके पहले हम बता देते हैं EMF कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ द सेल को हम लोग ई सेल बोलते हैं, ठीक है ना, EMF का होता है जब अभी सेल बनकर तैयार हुआ है उसमें EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जैसे उसको यूज करेंगे तो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, है ना, बैटरी जब नया नया मार्केट से खरीद के लाते हैं पहला बार पढ़ के देख लेते हैं 1.5 वोल्ट, ठीक है, जब तक वो 1.5 वोल्ट दे रहा है तब तक वो EMF है, जैसे ही 1.5 वोल्ट से नीचे ड्रॉप हो गया वो हो गया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो लाइन है जैसे ही लगाएंगे थोड़ा देर में तो 1.5 से नीचे चला जाएगा वोल्टेज, तब अब वो EMF नहीं रहा, तब वो हो गया वोल्टेज, तो EMF और वोल्टेज में इतना ही डिफरेंस है, जब तक बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो सेल पोटेंशियल है उसको EMF बोलते हैं, और जैसे उसको यूज कर लेते हैं बस उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल पोटेंशियल है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, क्लियर है, तो EMF सेल कैसे निकालेंगे, ई कैथोड, EMF ऑफ द कैथोड माइनस EMF ऑफ द एनोड, ठीक है, आया बस समझ में, EMF ऑफ द ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, EMF ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस EMF ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि बैटरी में कन्वेंशन है कैथोड बनाएंगे किधर एनोड बनाएंगे किधर, फिक्स है, आप बैटरी में देखे होंगे कैथोड और एनोड एकदम फिक्स से इसमें होता है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना, हमेशा जो है लेफ्ट साइड में एनोड रहता है और राइट साइड में कैथोड, यही बात समझ में क्लियर है, तो वही है यहाँ पर, तो EMF निकालना है किसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो EMF कुछ नहीं है, पोटेंशियल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, सेल पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, अब हम तो सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो निकलता नहीं है, तो उसी के लिए ये उपाय बताए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा, आई बात समझ में, अब हमको निकालना है इसका और इसका दोनों का, तो दोनों का एक साथ नहीं निकलेगा, इसको हटा देंगे, अब इसको निकालना इसका, इसको हटा यहाँ से, इस कंटेनर को हटाएंगे और इसको उठा के ले आएंगे, अब देखना क्या है, इसको हम इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे, इस दोनों के रिएक्टिविटी पर डिपेंड होता है, ये जिंक रॉड है,
और ये हाइड्रोजन गैस, कौन ज़्यादा रिएक्ट, दोनों टेंडेंसी है। 10 में पढ़ा है एक्टिविटी सीरीज, 11 में भी पढ़ा है हमने कहीं पर एक्टिविटी सीरीज, हाँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन या जिंक। जिंक ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर है ना, रिएक्टिविटी लिस्ट में जिंक जो है हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हाइड्रोजन के ऊपर का मतलब क्या हुआ, जिंक का ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा जिंक। अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे जिंक को तो जिंक ही लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी दोनों का है लॉस करने का, हाइड्रोजन का भी है और जिंक का भी है, लेकिन जब इस दोनों को आपस में कॉम्पिटिशन कराया जाएगा तो लॉस करेगा जिंक, करेगा लॉस मतलब इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ही बनाना पड़ेगा जिंक को, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही होगा, इसलिए जिंक को हम अपने जगह पर यहीं पर रहने देते हैं, इसको हटा लेंगे और इसको यहाँ बस और कुछ नहीं, इस कंटेनर को हटा देंगे, इस रॉड को हटा देंगे, मतलब ये पूरा सेटअप जो है ना रिडक्शन हाफ सेल वाला जो सेटअप है इसको हटा देंगे और इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ डूब जाएगा इसको, ठीक है ना। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 mm ही रखे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 mm, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम कितना रखे हैं 1 mm ही रखे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो हम इसको हटा के इसको जोड़ देंगे, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 mm ही है। तो जैसे ही हम SHE को लगाएंगे यहाँ पर तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर हमको रीडिंग यहाँ देगा वोल्ट मीटर, रीडिंग हमको देगा वोल्ट मीटर, जो रीडिंग देगा उसका तो जीरो है, इसमें जीरो घटाएं या जोड़ है बात बराबर है ना है? तो इसको हटा करके जब इसके साथ लगा दिए यानी रिडक्शन हाफ सेल ये बन जाएगा, अभी जिंक के साथ, जिंक के साथ SHE को कंबाइन करेंगे तो SHE क्या करेगा, रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा, रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा, आई बात समझ में। तो रिडक्शन हाफ सेल का जब काम करता है तो जो रीडिंग आता है -0.76, हाँ जो रीडिंग आता है वो कितना आता है -0.76 वोल्ट, इसका रीडिंग हो गया अभी का, ठीक है ना। इसके साथ जुड़े हुए हैं जिंक के साथ जुड़े हुए हैं ना, इसके साथ जुड़े हुए हैं जिंक के साथ। तो अब हम लोग लिखेंगे, अच्छा जब 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सारा कंडीशन जब हम कंप्लाई कर लेंगे तो हम जो है EMF को हम लिखते हैं E0 cell, ठीक है ना। तो हमको E0 cell आ गया -0.76 आ रहा है, आई बात समझ में, इतना इंजन आया है, ठीक है। तो E0 सेल, अब E0 सेल में क्या क्या, E0 सेल में हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, E0 सेल क्या आएगा, इधर आएगा E रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+C माइनस E Zn2+ रिडक्शन पोटेंशियल है ना, सब जगह हम लोग लगा देंगे E0 क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं करेंगे तब E0 नहीं आएगा, आ गया समझ में। तो हमारा यह E0 सेल इतना, और E0 सेल हमारा यहाँ पर क्या क्या है, इधर क्या हो रहा है, यह हो जाएगा E0, इधर क्या है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड है ना, उधर रिडक्शन हो रहा है, तो
एच प्लस जो है एच टू में बदल रहा है, एच प्लस जो है एच टू में बदल रहा है और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Zn2 प्लस यही हुआ इक्वल टू हो गया माइनस 0.7। रीडिंग जो आया हमारा वो माइनस नहीं आएगा, ये E0 से ला रहा है प्लस 0.7। E0 कितना आ रहा है प्लस 0.76, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये हो गया जीरो, ये हो गया E0 Zn2 प्लस जीरो, तो आ गया हमारा प्लस 0.76। तो अब ये तो जीरो है, ये माइनस हो गया, ये माइनस उधर चला जाएगा। देखो E0 Zn2 प्लस जीरो, ये हो गया हमारा माइनस 0.76। आया समझ में 0.76। अगर यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट सेल तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, माइनस होता नहीं है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भले माइनस प्लस होगा लेकिन सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव होता आई बात समझ में क्लियर। ये समझ में आया जो बताया, ये कब हुआ जब हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर तब ये हुआ। E0 सेल आया इतना और E0 सेल का फॉर्मूला क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट है ना, राइट में क्या है हाइड्रोजन और लेफ्ट में क्या है जिंक, ठीक है ना। इसी का आया है 0.76, ये जीरो हो गया तो माइनस होगा कि नहीं, आई बात समझ। अब हमको इसको निकालना है, कॉपर का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या करेंगे इसको हटा देंगे और उसको उठा के यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ सिग्निफिकेंट बात है, कॉपर और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है मालूम है ना, हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, आई बात समझ में क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हम इसको हटा देंगे, जिंक कंटेनर को हटा देंगे और यहाँ पर SHE लगा देंगे। जैसे SHE लगाएंगे यहाँ ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और रिडक्शन होगा इसका, फिर रीडिंग हमको यहाँ मिलेगा, जो रीडिंग होगा E0 सेल होगा। इस बार जो आएगा अगली बार जो हम करेंगे वो रीडिंग आएगा 0.3, कितना आएगा 0.34 वोल्ट आएगा E0, ठीक है। आई बात सुन में, ये तो उलट जाएगा ना, हाँ तो रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का ना, तो उसको हम पहले लिखेंगे हम E0, ठीक है, माइनस E0 ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ एच टू लिखते हैं यहाँ लिख दो टू एच टू, चार हम छूट गया था, यहाँ एच प्लस लिखते हैं यहाँ लिखो हाफ एच टू, ठीक है। आई बात समझ में, ये कितना आया हमको 0.34 है, हो जाएगा E0 CO2 प्लस माइनस E0 H प्लस H, ठीक है। अब यहाँ आ गया ये 0.3, तो ये क्या हो जाएगा E0 CO2 प्लस CO इक्वल टू प्लस, ये तो जीरो ना है, माइनस जीरो इक्वल टू 0.34। फाइनली क्या आएगा E0 CO2 प्लस CO कितना हो गया प्लस
0.34 हो गया ना, निकल गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट किए, इनडायरेक्टली पता किए, डायरेक्टली पता नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि डायरेक्टली हम किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता कर सकें। जो अकेला ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता ही नहीं है, अकेला रिडक्शन रिएक्शन होता ही नहीं है। जब तक कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कपल नहीं बनाएंगे तब तक ये रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए संभव ही नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। क्योंकि अकेले ऑक्सीडेशन हो तब तो, अकेले रिडक्शन हो तब तो, जब होगा दोनों साथ में ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। अब तो हमको मिल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का। अब देखो, अब इस दोनों को कंबाइन हम निकालेंगे इनर्शियल। अब देखो इनर्शियल का फॉर्मूला ही ना है ना, अब इनर्शियल कितना आ जाता है, ध्यान से इनोट सेल ये कितना आया है, ये कितना आया है 0.3। उसके बाद माइनस साइन है, ये कितना आया है माइनस 0.76 है, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 1.1 आया, आया कि नहीं, सही है ना। हम अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, फिर सेल पोटेंशियल निकाले, उतना ही आया। और ऐसे ही डायरेक्ट जब मेजर कर रहे हैं तो भी 1.1 वोल्ट आया, तो करेक्ट है ना सब कुछ, आई बात समझ में। इसलिए अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाले इनडायरेक्टली वो सही सही निकला, ये कन्फर्म। ये जो हम निकाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनडायरेक्टली वो सही सही निकला, ये कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिकल जब किए तो 1.1 वोल्ट आया था, तो हम दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लिए, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का पता कर लिए, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल हम पता कर लिए। जब हमको पता हो गया तो देख लिए कि क्या है, तो दोनों का पता करने के बाद फॉर्मूला हम जब बिठाते हैं फिर से 1.1 वोल्ट ही आता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इनडायरेक्टली पता कर रहे हैं वो सही है, तभी तो हमको प्रैक्टिकल रिजल्ट के बराबर आ रहा है 1.1 वोल्ट। अगर गलत होता तो नहीं आता, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।